ये जंग दिलचस्प होती जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती दोनों ही एक दूसरे पर शब्द बाण चला रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि बुआ और बबुआ नाम के इन शब्दों ने सूबे की सियासी गलियों के माहौल को भी बदल दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए किस तरीके से निकल रहा है मायने इन शब्दों का, उसके बाद चर्चा। से इनके ऐसे रवैये से ये बात तो अब यहां जरूर 100% स्पष्ट हो जाती है कि सपा सरकार का मुखिया वास्तव में ही बबुआ है। ये उस वार का पलटवार है जो बबुआ अखिलेश यादव ने बुआ यानी मायावती के तंज के जरिए किया था। दरअसल बीते दिनों से मुखिया अखिलेश यादव मौके की हर एक नजाकत पर मायावती सरकार की मूर्ति और हाथियों पर निशाना साध रहे हैं। और जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये हाथी ऐसे ही खड़े रहेंगे, खड़े वाले कभी बैठेंगे नहीं और बैठे वाले कभी खड़े नहीं होंगे। लेकिन वो नेता ही क्या जो मौका गंवा दे। मौका मिला तो मायावती भी नहीं चूकी। अखिलेश यादव के तंज पर मायावती ने दिखा दिए तीखे तेवर। बाबा साहेब के लिए रैली थी, बबुआ के शब्दों में ये बुआ की शैली थी। पूछ लिया, तुम्हारी मूर्तियां चलती हैं क्या? इन्होंने यहाँ लोहिया स्थल में और साथ ही द्वेष की भावना से नाम परिवर्तित किए गए जमेश्वर मिश्र स्थल में भी इनकी जो भी मूर्तियां आदि स्थापित की हैं, क्या वे अभी तक भी वहां खड़ी नहीं रहती हैं या फिर वे बीच बीच में अपना स्थान भी बदलती रहती हैं? बुआ वर्सेस बबुआ की जुबानी जंग का ये दूसरा अध्याय है। मौजूदा हालात की हकीकत के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल बुआ पर वार की शुरुआत अखिलेश यादव की एक परिभाषा से हुई थी। तब दिल्ली भ्रमण पर आए सीएम अखिलेश यादव ने बीबीसी का मतलब बुआ ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन बताया था। अब बात निकली तो दूर तक गई और लौटी तो बीबीसी की एक और नई परिभाषा के साथ। मायावती ने बीबीसी का मतलब बबुआ ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन बताया था। मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही है टीवी पर। ये दूसरी बीबीसी है, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा के अब इनको बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 यानी कि बीबीसी 2 का भी ये मजबूरी में कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। सियासत में शब्दों के तीर वैसे तो नई बात नहीं। 2014 के चुनावी समर में भी शहजादे और साहिब जैसे शब्दों का शोर गली गलियारों से लेकर चौक चौबारों तक सुनाई देता था। लेकिन 2017 के सियासी संग्राम में बुआ वर्सेस बबुआ की ये जंग किस मोड़ तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो उत्तर प्रदेश की सियासत और यहां की सियासत में रिश्तेदारी देखी जाती है। यहां पर अलग अलग तरह से बहन जी कहा जाता है, चाचा कहा जाता है, भतीजा कहा जाता है, बबुआ कहा जाता है, बुआ कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है। और उन शब्दों के बाद अब बबुआ और बुआ के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। इस जंग के मायने खोजने की हम कोशिश करेंगे। ये लालसा कुर्सी की है और उसमें बबुआ भी बोल रहा है, बुआ भी बोल रही हैं। मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से अमरनाथ अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से राजीव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम वकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम अमिताभ जी के पास जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बुआ वर्सेस बबुआ जो चल रहा है उसके मायने हैं क्या, आगे जाकर क्या कुछ होने वाला है। अमिताभ जी, पाकिस्तान
पंकज मैं मानता हूं ये दोनों ही तरफ से जो बयानबाजी हो रही है ना, ये गैर जरूरी बयानबाजी है। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से इस बात का कोई लेना देना नहीं, कौन बबुआ है कौन बुआ है इससे उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम का क्या लेना देना। लाखों लाख लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे, उनका इस बात से क्या वास्ता कि बबुआ क्या है कौन है और बुआ कौन है। बुंदेलखंड के गरीब किसान जो मर रहा है उसका इस बात से क्या लेना देना। मूर्ति बैठी है कि चलेगी, इनकी चल रही है कि उनकी चल रही है, इनने हाथी बनाया कि उन्होंने घोड़ा बनाया, इससे किस समस्या का समाधान होगा प्रदेश में। बात होनी चाहिए प्रदेश के भविष्य के रोडमैप पर, बिल्कुल बात होनी चाहिए आवाम को राहत देने के, आपके पास कौन से कार्यक्रम है और हमारे पास कौन से कार्यक्रम है। और बात कहां आके टिक रही है, बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 और बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 1। ये राजनीति का स्तर आ गया, और वो भी देश के सबसे बड़े सूबे में। मैं दोनों नेताओं के भाषण देखता हूं, आधा समय तो इसी में चला जाता है, बिल्कुल साइकिल हाथी बबुआ बुआ आधा समय तो इसी में चल जा रहा है। और मैं कहता हूं प्रदेश का इन चारों चीजों से कोई लेना देना नहीं, प्रदेश को चाहिए ब्लूप्रिंट। भाजपा बताए वो क्या करेगी, कांग्रेस बताए वो क्या करेगी, समाजवादी बताए अगले 5 साल क्यों चाहते हैं क्या करेंगे, बसपा बताए कि सत्ता क्यों चाहती है जनता को क्या देगी। उन पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है उन मुद्दों पर जो नॉन इश्यू हैं, गैर जरूरी मसलों पर ऊर्जा जाया हो रही है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संग्राम में। और इसकी सबसे बड़ा नुकसान मालूम क्या होता है, जिसके लिए आज मैं बहस लेके आया जी, अरे भाई मुझे क्या तकलीफ, आप दिनभर बुआ बुआ जपो और बुआ दिनभर बबुआ बबुआ कहे, हमको क्या तकलीफ। हम इसलिए इस बात को आज बहस में लेकर आए क्योंकि इससे जो वास्तविक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के वो छूट रहे हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दे जानबूझकर पीछे छोड़े जा रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पा रही जी। टेलीविजन का दिमाग वहीं केंद्रित, अखबारों का दिमाग वहीं केंद्रित, बहस वहीं हो रही, चौराहे से लेके पान की दुकान से लेके और लखनऊ तक एक ही मुद्दे पर बहस हो रही कि बबुआ क्या कह रहे हैं और बुआ क्या कह रही। ये कोई नातेदारी का मसला है, ये घरेलू संबोधन घर में रखिए और उत्तर प्रदेश के सामने जब जाइए तो आवाम को बताइए आप क्या दे सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उतनी बात करिए, वहां पर चुनाव केंद्रित रहे तब जनता का भला होगा जी। आसिम बकार साहब मुद्दे गौर हैं, आप ठीक बात कही ना, नहीं आपने आज तक कभी कोई गलत बात कही नहीं अमिताभ जी, लेकिन सच्चाई ये है कि मायावती जी को जो लिख के दे दिया जाता है, जो उनके सलाहकार उनको लिख के दे देते हैं, बस वो आंख बंद करके और मुंह खोल करके पढ़ना शुरू कर देती हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी बात किसी को अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, उनकी बात के मकसद क्या है उनको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं। अब मायावती जी के पास कहने के लिए क्या है, अगर समाजवादी पार्टी नहीं किसी पत्रकार से भी पूछा जाए, आवाम से पूछा जाए कि मायावती जी ने क्या किया है, पास कहने के लिए है फिर भी आप बोल रहे हैं बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कहेगा, लेकिन कहेगा यही नहीं, ये तो पहले आप बोले थे बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मायावती तो बोली नहीं थी। बुआ का मतलब तो हमने एहतरामन किया है, वालिद सर सुन तो लीजिए, वालिद के वालिद की बहन को जो बहन बनाई जाती है, भाई ये रिश्तेदारी घर में रखो उसको बुआ कहा जाता है, इसमें तो इज्जत और एहतराम बख्शा उनको। सर आप बात तो पूरी होने दीजिए, मैं यहाँ रिश्तेदारी करने नहीं आया, ये नाते मैं यहाँ किसी से कोई रिश्तेदारी करने नहीं आया हूँ, समाजवादी पार्टी किसी से कोई रिश्तेदारी कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है पंकज जी बात फिर बुआ बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए।
देखिए आप किसी से पूछेंगे मायावती जी के बारे में तो बात यही निकल कर बात यही निकल के आएगी कि आपने सिर्फ एक काम किया है और वो है आपने अपने पार्कों में हाथी लगाए हैं। लेकिन जब आप माननीय अखिलेश जी के बारे में बात करेंगी और आपने कहा कि क्या किया है, तो हमने जो मेट्रो बनाई है वो सड़क पर चल रही है, हमने जो हाईवेज बनाए उन पर लोग चलेंगे, हमने जो लैपटॉप दिए उन पर उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो रही है, लोग अपने भविष्य की पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भी उत्तर प्रदेश चल रहा है। आपने उत्तर प्रदेश को रोकने का काम किया, हमने उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया, आपने उत्तर प्रदेश के विकास को पार्क में हाथी की शक्ल में दिखाया और हमने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, आपने हाथी खड़ा किया, हमने एम्बुलेंस चलाई, हमने A108 चलाया। मेरी बहस आज ही नहीं है, ना मेरी बहस आज है ही नहीं, मेरी बहस है ये बुआ ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, भगुआ ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ये बातें क्यों लाए बीच में दो बड़े नेता, अमरनाथ अग्रवाल जी, देश के दो बड़े नेता, देश के दो बड़े चेहरे, उनके भाषण का कंटेंट क्या है? बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन 1, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन 2। इन बातों से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना अमरनाथ अग्रवाल जी? देखिए अमिताभ जी, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत मौजू है, राजनीतिक का जो स्तर गिरता चला जा रहा है उसके लिए हमारे नेता ही जिम्मेदार हैं। निश्चित है कि आप बुआ कहने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, आपको सम्मान देना पड़ेगा, राजनीतिक पद को तो सम्मान देना ही पड़ेगा अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो। और जहां तक बात वकार साहब ने अभी कही कि बाप के बहन को बुआ, तो वो बुआ का सीन हमने पहले भी देखा था जब लालजी टंडन को बहन जी ने भाई बनाया था। आपके नेता को पूरे हिंदुस्तान के लोग बड़ा कल आपके नेता को राहुल गांधी को पप्पू कहता है, इस बात का कोई मतलब नहीं। आपके बड़े नेता को बहुत बड़ा कल पप्पू कहता है, उस पर जरा रोशनी डाल दीजिए कि आपके पप्पू ने कौन सा ऐसा काम किया है तो पप्पू कहता है वो। ये गंडोला वोट तक सीमित है, पप्पू वाली बात बता दीजिए। ठीक है वकास साहब सुनिए, आप जी जरा थोड़ी अग्नोत्री जी, दोनों एक दूसरे को वकास साहब आइए आपके पास आएंगे, चुनाव से पहले दोनों एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं और जब चुनाव फिर आते हैं। अग्रवाल जी कंटिन्यू कीजिए। जी चुनाव से पहले अमिताभ जी एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं और चुनाव तक बिल्कुल भूल जाते हैं इन बातों को, ना विकास से इनका लेना देना है ना विकास से उनका लेना देना था। वरना आज जितना पैसा जो बजट हो गया यूपी का 4 लाख करोड़ तक पहुंचा जा रहा है, इसमें जनता का बहुत भला हो सकता था। आज लूट वाले मंत्री बने बैठे हैं, हटा दिए जाते हैं, और जहां तक बात हो रही बहन बुआ भाई की, तो फिर चचा भतीजों में आपस में रिश्तेदारी कैसी हो रही है सब देख रही है। एक साल से हम लोग यही देख रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री है इस पार्टी में वही नहीं समझ में आता है। बात विकास की करनी चाहिए, बात न कि घरेलू लड़ाई की। आज प्रदेश की इस जनता का कई महीने समय इसी में खराब हो गया, चाचा भतीजों की लड़ाई में। तो निश्चित है ये सगे चाचा भतीजे, इसलिए मैं चाचा भतीजा कह रहा हूं, मैं कहता कि दो मंत्रियों की लड़ाई में, वरना आपका झगड़ा वही था घरेलू, फिर आपने नया छोटा छोड़ दिया बुआ का, भतीजे का। बीजेपी के मित्र अग्रवाल साहब, बीजेपी के मित्र हमारे साथ हैं, राजीव एक सवाल उनसे पूछ ले फिर आप लोगों के पास दोबारा आते हैं। भाई राजीव जी, इतने बड़े सूबे में देश के जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिबेट का डिस्कोर्स है, एजेंडा है, वो बुआ भतीजे पर आके टिक गया। एक और इसमें दोषी सब लोग हैं, आपके नेता ने भी पिछले चुनाव में इसी ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ मामला है, आपके नेता पूरा देश घूमे आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उत्तर प्रदेश में आए तो सीना नापने लगे, बोले 56 इंच, ये बुआ भतीजे में लगे जा रहे हैं। इन विषयों से जनता का क्या लेना देना मित्र? कौन किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा, किसका सीना 56, किसका सीना 46, इससे आवाम का क्या लेना देना? अंताप जी आपने बहुत पहल की है, सुनिए, ये बुआ भतीजे के बीच में लड़ाई चल रही है, बुआ भतीजे, एक पारी बुआ खेलती है तो एक भतीजा खेलता है, लेकिन ये जनता समझ गई इन दोनों को, इनकी कलई खुल गई है और अब न्याय की सरकार चाहती है। जो केंद्र सरकार का पैसा है वो सीधे प्रदेश सरकार में आए, बंडर बात ना हो, ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र का पैसा है और सीधे सरकार विकास के काम में लगे।
अमिताभ जी, भाई मेरा प्रश्न दूसरा था, केंद्र का पैसा विकास में कैसे लगेगा, ये बात बहस नहीं ना। मेरा बहस का मुद्दा ये है, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में जब नेता उतरते हैं तो उनका सारा फोकस नॉन इश्यूज पर क्यों हो जाता है? राजीव जी, जी जी, नॉन इश्यूज पर आपने बहुत अच्छी बात कही। ये तो दोनों जने एक दूसरे को उलझाने में लगे हैं और जनता इस बात को जान रही है। जनता जिस तरह से ये दोनों जने खेल रहे राजनीति, जनता जान रही है, जनता इसका फैसला करने जा रही 2017 में। आप इसकी चिंता ना करिए, क्योंकि दोनों की लड़ाई अब कल खत्म होने वाली है। जिस तरह से आपको मैं बताना चाहता, बहुत ही अच्छा एजेंडा था, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि मैंने सारी घोषणा पत्र जो थे मैंने सारे वादे कर दिए। मुझे इसलिए घोषणा पत्र पे है क्योंकि आप भी सीएम अपने लगते हो, जिन्हें भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचार थे, उनपे कोई लगाम नहीं रखी गई। उन्होंने कहा था लोक आयुक्त बना के सख्त आयुक्त बनाई, आज लोक आयुक्त तो उन्हें सबसे कमजोर लोक आयुक्त बना दिया। आज कहां का वो जांचें चली गई? आज जो कोर्ट कहता है कि जांच करिए तब वो जांच होती है। ये तो बड़ा मुद्दा अच्छा आपने उठाया है। और जिस तरह से बताते हैं कि विकास किया, किस बात का विकास किया? आज मेट्रो दिया तो उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। ठीक 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 है राजीव जी, आगे आपके बात। वकार साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया, शायद पूर्व में भी मैंने मसला कई बार उठाया, आप मेरे साथ तमाम बहसों में रहे हो। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में कहा गया कि जो भी भ्रष्टाचार किया है पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको जेल भेजेंगे। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और तमाम लोग रह लिए भाजपा के, लेकिन कोई जेल नहीं गया भगवान का नाम लेके। मायावती जी ने भी यही कहा कि मैं आऊंगी तो समाजवादी पार्टी के सारे गुंडे जेल जाएंगे, भगवान के आशीर्वाद ऐसा रहा एक जेल नहीं गया। मुलायम सिंह जी आए चुनाव लड़ने, उन्होंने कहा कि सवाल बसपा के लुटेरों को जेल भेजूंगा, एक भी जेल नहीं गया। अब मैं जनता ये पूछ रही है कि भैया जो बातें आप लोग चुनाव में बोलते हो करते तो कोई नहीं हो। बकार साहब, क्या बसपा के 10-20 बड़े नेता जेल भेज दिए आपने? अभी मिश्रा जी, और कहीं बुलडोजर चलाया? मुलायम सिंह जी का भाषण मुझे याद है, उन्होंने कहा था बुलडोजर चलवा देंगे, सरकार आएगी तो बुलडोजर चलवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे उन जगहों पर। अंताप जी, इनके घोषणा पत्र में है कि इन्होंने कहा था कि लोक आयुक्त मजबूत लोक आयुक्त बनाइए और जितने भी 12 कैमरे सुनो भाई हुआ के थे उनकी जांच करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। आज तक एक आदमी जेल नहीं गया जी। देखिए मिश्रा जी, मिश्रा जी से एक सवाल और पूछ लूं आपके माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे और न जाने कितने लोगों को जेल भेजने की बात की थी कि जीजा जी जेल जाएंगे और 2G जेल जाएंगे और 3G जेल जाएगा और कोयला जेल जाएगा। मैं मिश्रा जी से पूछ रहा हूं कि आप तो ईमानदार आदमी है, आप तो अपना पूरा का पूरा एजेंडा लागू करते हैं, 2.5 साल की सरकार आपकी होने को आ रही है, आपने कितने जीजा जी को जेल भेजा है जरा यहां गिनती गिना दीजिए। वकार, अगर आप गिनती नहीं गिना पाए तो आप कुर्सी छोड़कर घर चले जाइएगा। वकार जी, आप पहले पहले से मक्कारी करने तो वकार जी, आपके घोषणा पत्र में था, आपके घोषणा पत्र में था, जिस घोषणा पत्र आप उठा के देखिए, प्रधान सत्ता के घोषणा पत्र में था
कि 12 मंत्रियों को जेल भेजेंगे, आज तक एक आदमी जेल नहीं गया। उनके घोषणा पर था कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना दिखाइए, ये जनता के बीच में आइए। आपके जीजा जी से क्या आपने कांग्रेस के जीजा जी से रिश्तेदारी कर ली? नहीं, आप मुंगेरी लाल के सपने ना दिखाइए, ये जनता पे चलने वाली नहीं है। आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप मेट्रो अभी शुरू नहीं हुई, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, आज मेट्रो सही नहीं चल रही है, उसका उद्घाटन हो गया, हैवे कहीं चल रहा है, हैवे का उद्घाटन हो गया। अरे आप बताइए कहाँ हैवे चल रहा है? आप यहाँ बैठकर पॉलिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के झूठ को, आपको शर्म आना चाहिए। वकार साहब आप हमको, राजीव रुकिए, राजीव मेरी बहस ऐसे नहीं होगी ना, मेरी बहस में आप पहली बार आए हैं, सलीका सीखिए। राजीव मेरी बहस में लगातार नहीं बोल सकते आप, सॉरी नो, मेरी बहस का सलीका सीखता हूं, इनकी आवाज बंद करिए। राजीव की अग्रवाल साहब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, इसी से जुड़ा। सारे बड़ी पार्टियों के नेता चुनाव में जाते हैं तो एक दूसरे को लांछित करते हैं और कहते हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा, इन्हें जेल भेजूंगा, लेकिन सरकार में आने के बाद कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। एक ताजा उदाहरण देता हूं, 2014 के चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र में कहा एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी, और चुनाव के बाद वो महाराष्ट्र गए तो रात्रि का भोजन शरद पवार जी के साथ उन्होंने किया और कहा शरद पवार जी मेरे पुराने मित्र हैं और देश के विकास में इनका बड़ा योगदान है। सुन लीजिए मिश्रा, और ये क्षेत्र सबका है, सपा का भी, बसपा का भी, कांग्रेस का भी, भाजपा का भी, तो फिर ये काम क्यों करते हो अग्रवाल साहब? अमिताभ जी, जी अग्रवाल जी, देखिए अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हैं वही बात मैंने उठाई थी कि जो चुनाव में कहते थे इनको जेल भेज दूंगा, वो कहते थे इनको भेज दूंगा, फिर 5 साल कुछ नहीं करते हैं, चुनाव के समय फिर आ जाते हैं उन्हीं एजेंडों, उन्हीं मुद्दों को लेकर, क्योंकि इनके पास अपना विकास गिनाने के लिए नहीं है, उनके पास विकास गिनाने के लिए नहीं है। एक सड़क थी दिल्ली जाने के लिए, ठीक है, एक और सड़क आपने बना दी, लेकिन गांव की सड़कों का हाल देखा आपने? अरे उसमें ननकौ दौड़ जाएंगे आप वाले, और उसमें आप वाले रजौ दौड़ जाएंगे। हर जो गांव की सड़क की स्थिति है, सड़क पर नहीं जा रहा आज, मुझे माफ करिए अमरनाथ अग्रवाल, मैं सड़क पर नहीं बहस करने आया आज, जो सवाल पूछूं उसी पर उत्तर दीजिए कृपया, नहीं बहस को भटकाइए नहीं ना। मैंने सवाल आपसे भी वही पूछा था, राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था सपा गुंडों की पार्टी है, बसपा भ्रष्ट पार्टी है। और उसके बाद दिल्ली में आप सपोर्ट लेते रहे सपा और बसपा दोनों का, अमरनाथ अग्रवाल, वही बात है। वो देखिए, वो तो आप जब सरकार चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही पड़ेगा। आपने ये देश की सरकार कैसे चलेगी अगर बहुमत नहीं मिलता है किसी दल को? आज पहली बार मोदी जी को बहुमत मिला तो चला रहे, वरना सरकार चलाने के लिए एक सेक्युलर वोट। तुम इतना ज्यादा चुनाव में बोलते क्यों हो अग्रवाल साहब? तो चुनाव में इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं आप लोग? खिलाफ बोले क्या जब आप प्रदेश चुनाव में क्यों करते हैं? यहाँ विपक्ष हैं हम, आपको चिताएंगे, हम चिताएंगे आपको, अमिताभ जी यहाँ बैठे हैं, हम चिताएंगे आपको जरूर कि आप ये गुंडा नहीं, नहीं, नहीं चलेगा, पत्रकारों की हत्या हो रही है भैया, रात में संयम नहीं चलेगा, ना 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 ये मत बताओ, नहीं नहीं दिन भैया का सीधी बात करो, खुला खेल फरुखाबादी, दिन में भैया कोई अगर कोई चोर है तो दिल्ली से लखनऊ तक चोर होना चाहिए, नहीं चलेगा ना, ये गलत बात है अग्रवाल साहब, ये जनता के साथ चीटिंग है। लखनऊ में भ्रष्ट, दिल्ली में सदाचारी, लखनऊ में गुंडा, दिल्ली में सज्जन, ये नहीं चलेगा।
मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो जनता को एक मत होके एक पार्टी को वोट देना चाहिए। जब बिखरा हुआ मैंडेट आएगा तो इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी, और जो दल इसमें लिप्त नहीं है वो भी दोषी करने के जिम्मेदार हो जाते हैं और दोषी होते हैं। राजीव, ठीक है, हम इस बात कर रहे हैं। राजीव, जल्दी से मुझे बताइए, चुनाव के मंचों पर नेता आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाते हैं? इतना क्यों बोलते हैं जो पूरा नहीं हो सकता, जो करने की इच्छा नहीं? बार बार जनता के साथ ये ठगी क्यों? राजीव, अंताप जी, बहुत आपने बहुत ही प्रेस छूने वाला बात कही है और सही बात है। अगर जनता के बीच में अगर किसी ने कुछ बात कही है, ये तो मेरी बात सुन ली अंताप जी, पहले मेरी मेरे साथ पूछ रहे हैं तो तुम मुझे बात इनसे सुन रहे कि मेरी सुन रहे, मुझसे प्रेस कर रहे, मैं जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, जवाब देना पड़ेगा, पहले मेरी बात इनकी तरफ तो बड़ी सरकार अच्छी है क्या धुली? पांच पांच मुख्यमंत्री, चाचा भतीजे कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भतीजा कह रहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पैसे कैसे खाना था? अरे आप अपनी बात क्या कर रहे हैं, चोली के पीछे क्या, चोली के पीछे वो कह रहे हैं कि सत्ता का टिकट मैं बांटूंगा, राम गोपाल जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं बांटूंगा, शिवपाल सिंह कह रहे हैं मैं बांटूंगा, कौन सा खाना खाया था ये तो बता दीजिए, एनसीपी के साथ करप्ट पैसे का खाना खाया था, ईमानदारी के पैसे खाया था? और जिस तरह आपने अपने पत्रों को घोषणा पत्रों में कहा वो वादे वो बता दीजिए कि एनसीपी के साथ खाना कौन सा खाया था? करप्ट पैसे खाया था, ईमानदारी के पैसे खाया था, चोरी के पैसे खाया था, बेईमानी के पैसे खाया था, आप तो भागे जा रहे हैं। राय जी, अंताप जी देश का प्रधानमंत्री है, आप क्यों रहे प्रधानमंत्री? मेरी बात सुनिए, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, देश का एक प्रधानमंत्री है, वो कोई दल का नहीं होता है, एक प्रधानमंत्री पूरे भारत का होता है। करप्ट पार्टी कहा था तो खाना कौन से पैसे खाया है? ये बहुत बात कर ली है, मैं ये पूछ रहा हूँ, नेशनल करप्ट पार्टी कहा था? अरे आप करप्ट पैसे का खाना खाया है तो आपका पूरा एक ब्रेक रुकना है अमिताभ जी, मैं सर्कल स्ट्राइक करी तो करे, पांच दिन और बढ़ा देना चाहिए था जी। ब्रेक लीजिए, पंकज ब्रेक लीजिए, बहस बड़ी रोचक हो गई है। ये बुआ और बबुआ की जुबानी जंग नहीं है, ये उस विकास के मुद्दों को छुपाने की बात भी हो रही है। जब बात अगर बबुआ की ना हो, बुआ की ना हो और सिर्फ बात विकास पे हो, रोड मैप पर हो, हम ये करने वाले हैं, हम ये करना चाहते हैं, इसलिए हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे इतर बबुआ और बुआ में उलझी है उत्तर प्रदेश की सियासत, इसी पर आज बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चल रहे हैं हम अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, पंकज मैं तीन चार उदाहरण रखूंगा अपने पैनलिस्ट के सामने जी, फिर उस पर बहस आगे बढ़े। कांग्रेस ने देवेगौड़ा की सरकार गिरा दी इसलिए कि डीएमके सरकार में शामिल है और कांग्रेस ने कहा डीएमके राजीव जी की हत्या में संलिप्तता थी। उसी डीएमके के साथ बाद में कांग्रेस ने सरकार बना ली केंद्र में, इनका चरित्र समझ आ गया जी। आज मायावती जी ने कहा भाजपा और आरएसएस जन्म से दलित विरोधी है, उस भाजपा के साथ तीन बार सरकार रही मायावती जी की। आज केशव मौर्य कह रहे हैं मायावती दौलत की बेटी है, उन्हीं मायावती जी से केशव मौर्य की पार्टी ने कम से कम पांच सात साल राखी बंधवाई और बसपा की सरकार की पालकी उठाई। अब आ जाओ इनके बकार साहब की तरफ, और एक बात और कह दूं, राजीव ने कहा प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है, यस, भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है, कहीं भी खाना खा सकता है, लेकिन जिसको बोला हो कि ये राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी है उसके लिए ये नहीं बोलेगा कि देश के निर्माण में इनका बड़ा योगदान है, ये बोलना मजबूरी नहीं है, या तो तब झूठ बोले या अब झूठ बोले। अब आ जाओ असीम बकार साहब की पार्टी के पास, इन्होंने भी एक दौर था नारा लगा मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब दोनों गलबहियां डाले थे। मनमोहन सिंह की सरकार को 10 साल दोनों समर्थन देते रहे, क्या क्या ये क्या तरीका है भाई? बसपा जब जब सरकार में चुनाव में थी विपक्ष के तौर पर, उसने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को जेल भेजेंगे, एक को भी नहीं भेजा। जब जब ये विपक्ष में थे असीम मकार की पार्टी के लोग,
इन्होंने हर चुनाव में कहा बसपा के भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। एक आदमी जेल नहीं गया इनके कर्मों इनके किए, एक पार्षद भी जेल नहीं गया, जो दो चार जेल गए वो हाई कोर्ट ने भेजे, इन्होंने नहीं भेजे। फिर आखिर सारी पार्टियां मिलकर जनता को क्यों ठग रहे हो भाई? बहस इतने पर है आज। अग्रवाल साहब आप ही शुरू कर दो अब इस बात पर। आपने जो कहा कि डीएमके के साथ हमने सरकार बनाई, ठीक है बनाई, हमने पहले आगे बढ़ के प्रियंका जी ने सोनिया जी ने जो नलिनी की फांसी की सजा को माफ कराने की बात करी, हमने उस चीज को भूलने की बात करी, उसके बाद जरूरत थी तो डीएमके के साथ मिलकर सरकार। वो अलग विषय था, ये अलग विषय था। आपने लिखित तौर पर कहा था कि डीएमके राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता है, इसलिए हम सरकार को बुला रहे। हाँ कहा था हमने, हमने निश्चित निश्चित कहा था, लेकिन सोनिया जी ने माफ कर दिया, पार्टी ने भी माफ कर दिया, निश्चित कहा था हमने। नहीं 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 नहीं, अमिताभ जी गलत बयानी कैसे है? आप बताइए साहब गलत बयानी कैसे है, जब सोनिया जी ने इतना बड़ा दिल किया कि नहीं भाई उनको फांसी मत दो। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस ने लिखित तौर, देखिए अपराधी को माफ करना अलग बात है, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को राजीव गांधी की मर्डर में कॉन्स्पिरेसी का दोषी करार दिया, फिर आप उसके साथ सत्ता सुख भोग रहे हो। सत्ता सुख भोगने की बात नहीं है, इस देश को चलाने की बात है। मैंने पहले भी कहा कि जब मैंडेट नहीं मिलेगा तो एक से जो सेक्युलर पार्टीज होंगी उनका निश्चित गठबंधन बनेगा, गठजोड़ बनेगा। तो अच्छा आप देश चला रहे हो और बातचीत कर रहे हैं तो सुविधा है। नहीं नहीं, ये अमरनाथ जी सॉरी राजीव राजीव जी, आपकी पार्टी के भी मैंने दोनों चेहरे दिखा दिए जनता को। जी क्या कहोगे भाई बोलो राजीव जी? मेरे अंताप जी आपने जो बात कह रहे हैं बहुत ही, जब कोई दल अंताप जी आवाज नहीं आ रही, हेलो, सवाल तो सुन लिया होगा आपने, उसी का जवाब दे दीजिए राजीव जी। जी आ रही, पूरी आवाज आ रही, पूरी आवाज आ रही। अंताप जी आपने जो बात कही है, हाँ अंताप जी जो आपने बात कही वो बात सही है। अगर दलों की बात कहते हो प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री, आपने बहुत अच्छी बात कही, देश का प्रधानमंत्री तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया तो ये किस बात के आप कह रहे हैं? मुद्दे कहां पे आप बता रहे हैं? अमिताभ जी सवाल ही नहीं समझे ये। अरे मैं भी सवाल ही नहीं कहने, आप तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, आप बहस में भाग नहीं ले पाओगे दोस्त। ना आप समझ ही नहीं पाए मैंने क्या कहा, ये कहां ले जा रहे हो बहस? मैंने कहा आपके प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने आप कहा कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, और उसके बाद आपने शरद पवार को कहा देश के में निर्माण में इनका योगदान है। आप मुझे समझाओगे? आप नारा लगाते थे इमरजेंसी के तीन दलाल इंदिरा संजय वंशीलाल, वंशीलाल के साथ आपने सरकार चलाई कि नहीं चलाई? जगमोहन को पार्टी में लाए कि नहीं लाए? साथ चलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, जगमोहन को दिल्ली चला रहे थे इमरजेंसी में? बिल्कुल लाए। और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। असीम वकार जी मेरी बात, असीम वकार ये जनता के साथ चीटिंग कब तक? वकार साहब नहीं, देखिए कोई चीटिंग नहीं कर रहा है अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वजह उसकी है कि इनकी कथनी और करनी अलग है। हम बुआ कहते हैं, बुआ रिस्पेक्टेड अल्फाज है, किसी को एहतराम दिया जाता है तो बुआ कहा जाता है, लेकिन एक अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं एक पार्टी की तरफ से, हराम जादे और हलाल जादे। इस तरह के लोग यहां बैठकर टिप्पणी करेंगे? एक प्रधानमंत्री जी बनने से पहले राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को पप्पू करार दे देते हैं और कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही उनका।
तो प्रधानमंत्री जी को क्या राहुल गांधी जी का नाम नहीं पता था? या राहुल गांधी जी का नाम कुछ खराब नाम था? या प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी का नाम लेने में दिक्कत हो रही थी? या उनकी जबान टूटती नहीं थी? राहुल गांधी का नाम जबान से नहीं निकल रहा था? आपने अच्छे भले इंसान को पप्पू करार दे दिया और कांग्रेस चुपचाप बैठी रही और जवाब भी दे पा रही है। आप जब चाहेंगे हलाल जादे और हराम जादे की बयान दे देंगे, आप जब चाहेंगे किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो जो हमारा सबसे बड़ा विपक्षी दल था, विरोधी दल था, अपना डिफेंड करेंगे। असीम वकार साहब, मैंने पूछा आप हर बार नारा देते हो बसपा के भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और जेल नहीं जाता काला कुत्ता भी। नहीं देखिए अमिताभ जी, फिर मैंने आपसे कह दिया मायावती जी को स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, लेकिन मुझे कहने में मुद्दा नहीं बता रहे, जेल वाला वो भी बता रहा हूँ। आप बीच में बोलने लगते हैं, मैं इसीलिए बीच में दो बार आपके बोला था। अरे आप क्या करते हो वो बताओ, मायावती जी की छोड़ो। आपके बीच में बोला क्यों, आप समझ गए हो तो थोड़ा शांति से सुनिए। नहीं, मायावती जी ने बबुआ कहा है, उत्तर प्रदेश में बबुआ उसको कहा जाता है जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है और सबसे ज्यादा दिल के करीब होता है उसी को बबुआ बोला जाता है। और दिल के करीब सिर्फ वही होता है जो बेहतर काम करता है, जो अच्छे काम करता है, जिसके काम दिल को छू लेते हैं, वही बबुआ होता है। तो मैं समझता हूँ मायावती जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश के चहेते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उन्होंने सबसे बेहतर और सबसे लाजवाब काम किए हैं। तो मायावती जी को पता ही नहीं है कि मायावती जी ने सिर्फ मायावती जी लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे बबुआ मारा मारा घूम रहा है, तो मायावती जी नहीं गिरा पाएंगी। और हम मायावती जी ये भी कह रहे कि बबुआ मारा मारा घूम रहा है। नहीं, फिर मैंने आपसे कह दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी से पूछिएगा, अरे भाई मायावती जी की कोट करो, सबसे साथ में ये भी कह रहे कि बबुआ बेचारा मारा मारा घूम रहा है घर घर, जो दिल के करीब होता है। हम सियासत में है, अरे आप उनकी आधी बात पकड़ रहे हो, आधी छोड़ रहे हो। घूमेंगे हम, वो ये भी कहेंगे बबुआ मारा मारा घूम रहा है, हम दर दर जाएंगे, हम लोगों के पैर भी छुएंगे, हम हाथ भी जोड़ेंगे। हम सियासत में है, हम दर दर जाएंगे, दर दर खड़े होंगे, दर दर जाके लोगों से कहेंगे हम वोट के लिए हाथ भी जोड़ेंगे और पैर भी छुएंगे। हम बुजुर्गों के पैर छुएंगे, छोटों के आगे प्यार से हाथ भी फैलाएंगे कि हमको आप हुकूमत में लाइए और हम दोबारा से जितना विकास करके आए उससे ज्यादा विकास करके दिखाएंगे। और मायावती जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना उनके पास करने के लिए कुछ है, ना उन्होंने ये विषय नहीं था। किया है बकार साहब, मैंने निवेदन ये किया था बकार साहब, चुनाव में सपा बसपा एक दूसरे के सारे कारनामे मंच से गिनाते हैं, जब सरकार में आते हैं तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, मेरा प्रश्न ये है। अरे अमिताभ जी, मैंने तो आपसे शुरू में एक बात कही थी कि हम लोग तो बहुत जोर शोर से मीडिया पे सुना करते थे कि 2G वाले जेल जाएंगे, 3G वाले जेल जाएंगे, कोयले वाले जेल जाएंगे, जीजा जी वाले जेल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई जेल नहीं गया। हमको तो प्रधानमंत्री जी पर विश्वास था और प्रधानमंत्री जी ने अपना विश्वास खो दिया है और बीजेपी के भाई बता रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया 2G घोटाला, असीम वकार साहब सवाल का जवाब नहीं आया। जी जी, नहीं मैंने सवाल का जवाब दे दिया। आप नहीं, आपने बीजेपी पर वार किया, अपना बात अपनी बात बताई नहीं। सिर्फ विकास में विश्वास रखती है और जितना विकास आप जवाब दीजिए, सर मत उठा लो भैया, कि 2G वाले जेल जाएंगे, 3G वाले जेल जाएंगे। पंकज रौतेला जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। अरे उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं फिर पूछ जाएंगे जेल क्यों नहीं गए। अरे पंकज को छोड़ो, मैं बता रहा हूँ असीम वकार, प्रधानमंत्री ने ये कहा था और प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, ठीक। आप लेकिन आपके नेताओं ने भी झूठ बोला, जो कहा वो किया नहीं। इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बहस की है इन्होंने। आप उसका खाना खा गया, मैं बाहर जेल भेजूंगा और लोक आयुक्त को सख्त करूंगा। आज
लोक आयोग सत्य नहीं सारी जितनी गुंडागर्दी है मथुरा से लेके अगर कोई काम निकाल जाता है कोई पकड़ा जाता है तो सपा का नेता होता है। कितनी बार कह रही है जनता ने देख लिया इनको नकार देगी 2017 में इन दोनों को और जिस तरह से नकारी है जनता ने इनको कह दिया उद्घाटन करने जा रहे। अरे हम पूछना चाहते हैं अरे कहाँ बन गया अभी भैया अरे मेट्रो कहाँ चल गए उसका उद्घाटन कैसे कर रहे हो अरे आदमी बहुत जल्दी ना करो और सबको बचा रहे हो आप पंकजा मुंडे गृहमंत्री बनाए हुए हो आप बचा रहे हो सब देखा है पर जनता देख रही है चिंता अपनी करो आप। अच्छा अब वकार साहब सुबह सब बोल दीजिए। अच्छा अमरनाथ अग्रवाल जी सवाल ठीक है अमरनाथ अग्रवाल जी एक छोटा सा सवाल उस पर छोटा सा जवाब दीजिए समय कम है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भाजपा के नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान एक बड़ा आरोप लगाया था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर। उन्होंने कहा था कि पिंक रिवॉल्यूशन यानी जो मास्क का धंधा है उसके एक जो काले कारोबारी है मिस्टर कुरैशी उन्होंने कहा था उनके तार 10 जनपद से जुड़े हुए हैं। 2.5 साल हो गया अभी तक तो कोई सुनवाई दिखने नहीं। अग्रवाल साहब आज प्रधानमंत्री जी से जुड़ गए। मैंने क्या अमिताभ जी मैं वही बात कहना चाहता हूं कि जब इनके अध्यक्ष अमित शाह ने बता दिया कि ये हमारा आदमी जुमलेबाज है उसी किस बात का आज कौन से मुकदमे कर दिए इन्होंने कहां कमीशन बैठा लगे हैं कुछ कमीशन में आता नहीं है। जब कुछ मिलता नहीं है तो राजनीति का एक नियम है कमीशन को लंबा खींच दो कुछ नहीं मिलने वाला है और ये भ्रम है। और जहां तक बहस की बात हो रही थी आज अमिताभ जी टर्मिनोलॉजी पे हो रही थी तो ये टर्मिनोलॉजी बुआ भतीजे वाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में दी माँ बेटे की सरकार बेटे बेटे बाप बेटे की सरकार बेटी बेटे की सरकार ये टर्मिनोलॉजी मोदी जी की दी हुई है जो देश आज इस शिखर जा रहा है बुआ भतीजे और बुआ बबुआ पे जा रहा है हमको उस पर भी विचार करना चाहिए। आज उस आदमी को हमने प्रधानमंत्री की हैसियत से मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जब भाषणों में आज भी बोलते हैं तो चूकते नहीं है कुछ भी कहने से वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के हिसाब से भाषण नहीं देते हैं। उन्होंने कह दिया कि काले धन में जनधन वालों को रख लो हम इंतजाम कर देंगे तुम्हारे पास रह जाएगा असंवैधानिक बात करना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है लेकिन क्या है देश कहां जा रहा है राजनीति कहां जा रही है आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं कुछ गलती हमारी भी हो सकती है कुछ गलती दूसरे की भी हो सकती है लेकिन इस तरीके से आरोप लगाना और वो लोग आरोप लगाएंगे जो अखंड भ्रष्टाचार और हर चीज में डूबे हुए हैं। अरे बात करते हैं कि कौन सी नवाज शरीफ के अरे शरद पवार तो छोड़िए नवाज शरीफ क्या चले जाते हैं बगैर बताए खाना खाने बीजेपी कुछ रिस्पॉन्ड करेगी उसका सामने नहीं मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर अमिताभ जी एक बात और कहना चाहता हूँ इसी बात पर कि मुझे एक वो दौर याद है कि प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन जी ने नवाज शरीफ से एक विदेश में कहीं हाथ मिला लिया था तो उनके बारे में कहा गया था देहाती औरत और जब आप सरकार बनाने के बाद बिना इनविटेशन के और बिना बुलावे के और बिना कार्ड के आप जाके वहां पर काजू बादाम और बर्फी और बिरयानी खा रहे हैं तो आप कौन सी औरत आपको बताना पड़ेगा। हाथ मिलाने वाला अगर देहाती औरत है तो आपको तो बताना पड़ेगा कि बिना कार्ड के अगर पहुंच गए हैं तो आप क्या बीजेपी से पूछ रहे थे बीजेपी रिस्पॉन्ड करे लोग बीजेपी जवाब दे भाई बोलकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं। एक बात और पूछ लीजिएगा राजीव भाई प्रधानमंत्री जी को जुमलेबाज हमने नहीं कहा था। राजा यार समय नहीं राजीव भाई जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए समय कम है। जी ने कहा था कि जुमला था जुमलेबाज जिस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ देश का प्रधानमंत्री है सबको जोड़ के चलेगा पूरे देशों को जोड़ के चलेगा। अरे वो गया तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर किसी की शादी में किसी ने कार्ड दिया तो जाएगा नहीं वो तो जाएगा ही और देश का प्रधानमंत्री है ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या संबंध ऐसा नहीं है कार्ड दिए बिना नहीं ऐसे पहुंच गए बिना कार्ड के कैसे पहुंच गया अभी इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं या प्रदेश की जनता अगर अमिताभ जी संतुष्ट हो तो अमिताभ जी बता दें। अरे आप अपने संतुष्ट हैं कि नहीं आप नहीं साहब अमिताभ जी संतुष्ट हो तो बताएं जवाब क्या मिल रहा है ये इस मध्य में चूर जवाब लीजिए कोई जवाब देंगे इस बात का जवाब दे जिस जवाब मैं बता दे रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने कहे रिवॉल्यूशन के क्रांतिकारी मोइन कुरैशी से भी बड़े वो सब इनके सहयोगी साथी हैं इनके मंत्री के पार्टनर हैं वो आप जो पिंक रेवोल्यूशन पिंक क्रांति जो कहा अभी आपने मोइन कुरैशी तो उनके तो जैन साहब जो है पार्टनर हैं इनके क्या बताएंगे ये लोग इनके तो कार्रवाई भी कार्यक्रम नहीं समझ में आते हैं जो काम करते हैं उसी में दूसरे को मर देते हैं आरोप उसके बहुत सफाई है इनके काम में। जब पूरे देश की जनता धोखा खा गई है तो हम आप क्या चीज हैं और जनता समझ रही है इस बात को कि क्या हो रहा है
एक गृह मंत्री बयान देते हैं इतनी गोली चलेंगी गिन नहीं पाओगे। ये बयान है देश के गृह मंत्री का, भारत के गृह मंत्री का। सर्कल स्ट्राइक स्ट्राइक किसने की, अंदर तक कौन गया? उतार दिए आपने, सुनिए, अंदर तक कौन गया? कांग्रेस तो कभी कुछ नहीं कर पाई, 70 साल की दीमक कर दिया पूरे देश को। 70 हजार दीमक समाप्त हो रहा है मित्र, खाया 2G घोटाला, किसने घोटाला? कांग्रेस ने बांग्लादेश बना दिया। घोटाले हुए भाई के लाल कोई चुनरिया बता दे, 2.5 साल में प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने बांग्लादेश बना दिया। बता दीजिए, ये मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री जेल गए, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में ढूंढ रहे थे बने, आज सबसे निचली इकाई गरीब के जंगल घाटे में ढूंढ रहे हो। शरमानी चाहिए मोदी, ठीक है, मन्ना शरमानी चाहिए भाई, आपको शरमानी चाहिए, ठीक है, तेरे शर्म कर रहे हैं आप, हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज, ये चर्चा भटक रही है और ये कहीं का कहीं जा रहे, वो जो मुद्दा जो सवाल थे वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं जी। देखिए पंकज, ये बहस हम सिर्फ इसलिए लेके आए ताकि हमको पता है कि सियासी पार्टियों को शर्मिंदगी नहीं होती, उनको झेप नहीं लगती। जो हमने बताया, क्या वो पार्टियों के नेता नहीं जानते? अपनी पार्टी के बारे में सब जानते हैं और व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे सब मानते भी हैं, लेकिन टीवी पर जब बैठेंगे तो वो सिर्फ दूसरे पर आक्रमण करेंगे, अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। यही भारतीय राजनीति की त्रासदी है। आप अपनी पार्टी के मसले का उत्तर देना नहीं चाहते, दूसरी पार्टी पर सवाल उठाना चाहते हैं। यह भी एक तरह का बच के निकलने का स्मार्ट तरीका है। भारत की राजनीति क्यों पतित हो गई? वो इसलिए पतित हो गई क्योंकि सब उस हमाम में एक ही अवस्था में है। ये बात ठीक है, किसने कहा था? अभी जम्मू कश्मीर में जब गए थे मोदी साहब तो उन्होंने कहा था बाप बेटे की सरकार, फारूक और उमर, और कहा बाप बेटी की सरकार, मुफ्ती और महबूबा। उसके बाद मुफ्ती और महबूबा के साथ उनकी सरकार बनी। यही चरित्र कांग्रेस का। यह भी बात सच है कि ये कहा गया था एक नेता ने नहीं, 50 बड़े नेताओं ने कि जीजाजी जेल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। जीजाजी तो मूंछों में चमेली का तेल लगा के घूम रहे हैं, वैसे ही जेल छोड़ो, उन्हें थाने तक नहीं बुलाया किसी ने जी। मुलायम सिंह जी ने कहा था हमारी सरकार आई तो बुलडोजर चला देंगे इन पार्कों में और यहां सरकारी अस्पताल खुलवाएंगे। वहां कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही चमक रहे सब पार्क। और एक पार्षद भी इनने जेल भेज पाया हो तो ये बता दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। नहीं, और बहन जी भी आज तक सपा के किसी बड़े नेता को जेल नहीं भेज पाई। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, मायावती जी, सपा के जो 20 बड़े नेता हैं उनमें किसी को जेल भेजा हो तो एक नाम बता दीजिए। मंच पर बहन जी भी बहुत गरजती है, मंच पर नेताजी भी गरजते हैं, राहुल जी भी कहते हैं एक गुंडा पार्टी एक करप्ट पार्टी, और दिल्ली में दोनों को अलग अलग बुला के खाना खिलाते थे, कहते थे तुम इस बगल बैठो, तुम इस बगल बैठो और समर्थन जारी रखो। ये क्या है? मेरी जैसी साफ साफ बात क्यों नहीं करते? जो बोलते हो वही क्यों नहीं करते? भोली भाली जनता भ्रमित हो जाती है जी। वो कहती अरे आसिम बखार ने तो क्रांतिकारी बात कह दी, आपको वोट दे देती है, या किशन बोरिया ने तो इतनी अच्छी बात कह दी वोट दे देगी, या राहुल जी ने इतनी अच्छी बात कह दी वोट दे देगी। जब आप सरकार में आते हो तो वही चाल अलवेली। ये जनता के साथ एक किस्म का छलावा है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर रॉबर्ट वाड्रा को आपके खिलाफ आप निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सकते थे, वो साहस नहीं था, तो आपको बोलना नहीं चाहिए था। और राहुल जी को ये बताना चाहिए था,
वो उस पार्टी के सर्वे सर्वा थे जिस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी और गुंडों वाली पार्टी के लोग जेल से बाहर क्यों रहे उनके शासनकाल में। मोदी जी को भी बताना चाहिए था कि जो नेशनल करप्ट पार्टी थी उसका मुखिया देशभक्त कैसे हो गया, आपके साथ खाना खाया और पवित्र हो गया। आप गंगा हो कि गंगा में डुबकी लगाई और सारे पाप धुल गए। हर पार्टी ने ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोल रखी है। बाबू सिंह कुशवाहा भाजपा में आए तो कुछ दिनों के लिए ईमानदार हो गए भाजपा के लिए, फिर सपा में उनकी पत्नी चली गई तो सपा वालों ने बोलना बंद कर दिया उनके खिलाफ। क्या ये सच नहीं है? क्या जनता के साथ न्याय है? ये बड़े सवाल हैं, इन पर सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जब हमारी कथनी और करनी एक नहीं रहेगी तो यकीनन हमारा घोषणा पत्र भी बेमानी हो जाएगा। भारत तो वो देश है जिसमें तुलसी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी, यहां तो वचन का कोई मूल्य ही नहीं। मैं नेताओं से पूछता हूं कि भैया तुमने ऐसा बोला था मंच पे, तो वो मेरा हाथ दबाते कहते अरे पंडित छोड़ो, वो मंच था, चुनाव था, छोड़ो उन बातों को याद नहीं रखता। क्या ये भारत की राजनीति का राष्ट्रीय चरित्र नहीं है? ये सबसे खतरनाक बात है भारत की राजनीति में। जी, क्योंकि हम जो मंच से बोलते हैं ये मानकर बोलते हैं कि ये एक अभिनय है जो चुनाव तक करना है और चुनाव के बाद वैसे ही चलना है जैसे सत्ताएं चलती हैं। ये चीज खतरनाक है, इससे नुकसान होता है। न्यूनतम ईमानदारी सभी पार्टी बरतें तब शायद हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ पाएंगे, तब शायद हम जरूरी मुद्दों पर भूख भय अशिक्षा गरीबी इन मसलों पर चुनाव लड़ पाएंगे। जी, बेरोजगारी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ पाएंगे, गांव खेत किसान की बात कर पाएंगे। अभी ये मुद्दे गौण हो जाते हैं जो जीवन से जुड़े मुद्दे हैं। और 56 इंच, जीजा जी, टू जी, चाचा भतीजे, बुआ भतीजे, बबुआ लबुआ, ये सब चलता रहता है। इससे बचिए, उत्तर प्रदेश में सार्थक मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ अग्रवाल जी, राजू मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ वकास साहब।